तो दोस्तों देखिए, ये जो दुकान है हमारा और एक्सल का, और सुबह का टाइम है, अभी खोल रहे हैं तो दुकान 7:30 हो रहा है। तो दोस्तों अभी इसमें जो है सब बाइक उठ के रखे हैं, बाहर निकालेंगे, झाड़ू लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इधर अगरबत्ती जो निकाला जा रहा है, सुबह का टाइम है और अगरबत्ती जलाएंगे, इसके बाद काम करेंगे। तो दो एक्सल है तो इसको बनाएंगे। देखिए जो है सामने बड़ा वाला जो है, ये वाला जो है, तो बनाएंगे दोस्तों इसको। हमारे वीडियो पे बना रहे और लास्ट तक देखें तो कैसे निकालते हैं और इसको कैसे साफ करेंगे। और कमेंट में बताइए कौन सा गाड़ी का एक्सल है दोस्तों, दोनों जो है बड़ा वाला, तो कौन सा गाड़ी का एक्सल है दोस्तों कमेंट में बताइए। तो चलिए दिखाते हैं कैसे खोल देंगे। हेलो दोस्तों, और कैसे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक्सल दुकान में है और एक्सल है जो बनाया जाएगा, अभी एक्सल है बड़ा गाड़ी का। और कमेंट में बताइए हमारा और कौन सा गाड़ी का है, तो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। तो दोस्तों और हमारा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए तो दिखाते हैं एक्सल कैसे खोला जाएगा और कैसे बनाया जाएगा। अब वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों, तो काम करेंगे। तो चलिए तो दोस्तों हमारा जो देखिए चोट मार कर निकाल दिए दोनों एक्सल का, और हमारा जो एक्सल जो है, हमें इस वीडियो में नाम नहीं बताएंगे, तो आप कमेंट में बताइए कौन सा गाड़ी का है और कौन सा राइट का है, कौन सा लेफ्ट का है। तो जो सवाल है जो एक्सल वाले कारीगर से, तो बताएं दोस्तों। और नया है इस वीडियो पर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इससे अच्छा सा वीडियो दिखलाएंगे। और चलिए इसका साफ करते हैं दोस्तों, तो इसका साफ करते हैं तो क्या कंडीशन है इसका, क्या पोजीशन है, वीडियो लास्ट तक देखें। तो दोस्तों इसका जो काठ का भूस है, जो लकड़ी का भूसी जो होता है, उसमें ग्रीस और काला 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 जो साफ़ हो जाएगा इसमें। तो साफ़ करने के बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा से साफ़ करेंगे। चलिए पहले भूसे से जो साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद कपड़े से साफ़ करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये जो है सफ़ा कर दिए, अभी भूसी से साफ़ कर दिए जो साथ दिए थे। तो देखिए अभी इसमें जो है, ये एक एक चिलम में जो है आवाज़ नहीं है, तो इसको ग्रेन करेंगे मशीन से और बस ऐसे गोली से सेट करेंगे। और एक में है दोस्तों, इसमें जो है ये रिपेयर है, दोनों के दोनों रिपेयर कर दिया गया है, पहले से भी बना दिया गया है। तो दूसरा का दफ़ा आया है हमारे पास, तो इसको भी थोड़ा कटा हुआ है हल्का हल्का, तो इसको भी ग्रेन कर देंगे, इसका भी ओवर साइज से उसको। ये देखिए दोनों जो है बैरिंग का पहले से ही बना हुआ है, तो ये देखिए इसका आवाज़ नहीं है, एक चिलम में ग्रेंड कर इसको बना देंगे मिलाकर ओवर साइज से। और ये जो है दोस्तों, इसमें देखिए ये जो है
ये जो है कटा हुआ है, एक सीलम का जो जाली है इसका कटा हुआ है, देखिए छोटा छोटा है, इसमें माल भरेंगे, एक एक टुच करेंगे मारेंगे और इस साइड में जो है लेयर मारेंगे। और इसमें जो है दोस्तों तो ये भी दोनों तरफ में वेल्डिंग मारा गया है पहले से, तो हम एक साइड में मारेंगे इस साइड में। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं वेल्डिंग मारेंगे, तो हमारा वीडियो लास्ट तक देखें, चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए जो है वेल्डिंग जो मार दिए है जाली में, और इस साइड में देखिए कितना अच्छा अच्छा और वेल्डिंग कर दिए हैं। तो इसको अभी मशीन पे बनाएंगे, तो और इस पर जो छोटा छोटा एक एक टुच मारे हैं इधर, तो इसको मिलाकर इधर से तो इधर से बनाएंगे। चलिए, और ये जो है देखिए दोस्तों ये गिट्टी है, तो गिट्टी में मैं वेल्डिंग भी मार दिए हैं, तो यही दो चीज़ हम बनाएंगे और बाकी सब मिला देंगे ओवर साइज गोली से। तो चलिए मशीन पर दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा देखिए जो वेल्डिंग कट दिए थोड़ा थोड़ा, तो अभी इसमें बहुत ऊंचा छोड़ा हूँ, 100% में इसको 50% छोड़ा हूँ, तो इसको अभी रिपेयर था इसी बस से, और थोड़ा थोड़ा ग्रेंड करेंगे मशीन से, इसको ऊंचा छोड़ेंगे माल और ऊंचा छोड़ेंगे तो इसमें और चेक करेंगे तो इसमें पता चलेगा कितना टाइट है कितना लूज है। उसके बाद उस हिसाब से हम इसको और मिलाएंगे मशीन में, तब तक ये इतना ही थोड़ा थोड़ा ग्रेंड करेंगे मशीन से। चलिए अभी बैरिंग बनाते हैं, मिलाएंगे पीछे से, और ये जो एक और टुच जो मारा हो इस साइड में मिलाएंगे, उसके बाद जालू को बनाएंगे। तो ये जो माल जो है ये नीचे रहेगा ये ऊपर में रहेगा, तो इसको मिलाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों ये जो है एक जो मिला दिए हैं जो बिल्डिंग मारते हैं, तो ऐसे ही सब बनाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तब तक वीडियो पर बने रहें और जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो देखें। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये जो बैरिंग हमारा जो कंप्लीट हो गया, अभी सब बना चुके हैं इधर देखिए, और ये दोनों बन गया है दोस्तों, दोनों ये तो मिला चुका हूँ ये वाला बैरिंग,
देखिए इसका भी बन गया है। और ये जो है दोस्तों इसका देखिए कितना अच्छा भी बना है, ज़्यादा टाइट होना चाहिए बैरिंग गोली। इसका खाँचा जो होता है इसमें टाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसका लूज भी नहीं ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही बनाया जाता है। और देखिए अब इसका जो ऊपर का जो है बोर निकालेंगे, अंदर का बोर निकालेंगे। चलिए देखते हैं। स्टॉप दोस्तों, देखिए हमारा जो मशीन पे जो कंप्लीट हो गया है दोस्तों, ये सब कर दिया हूँ। तो अभी इसको अभी ठोकेंगे, इसको गोली डालकर, इसमें बैरिंग डालकर। तो चलिए इसको दिखाते हैं कैसा सेट होता है। चलिए दोस्तों तो दोस्तों ये देखिए जो बैरिंग का गोली जो बनाया साइज का, तो ये देखिए 19 mm का गोली है और ये जो है 27-32 का गोली है। तो दो बैरिंग का अलग अलग गोली है। तो चलिए इसको ठोकते हैं। तो दोस्तों एक सेट हो गया दोस्तों, तभी दूसरा वाला सेट करेंगे। दूसरा वाला जो एक्सल था हमारा, जो उसमें टाइम लगा और थोड़ा टाइट था, इस वजह से टाइम लगा दोस्तों। तो चिलम जब सेट किया जाता है तो उसको फ्री घूमना चाहिए, नहीं तो बैरिंग टूटने का चांस होता है। पूरा फ्री होना चाहिए दोस्तों। तो अभी ग्रीस और डंडी डालेंगे उसमें। चलिए दोस्तों दिखाते हैं, बना रहे वीडियो लास्ट तक देखें।
जो हमारे जो एक सब्सक्राइबर जो है दोस्त भाई जो इसमें कमेंट में लिख रहे थे कि कौन सा आप ग्रीस यूज करते हैं एक्सेल के लिए, तो हमारे दोस्तों बता दें, वीडियो दिखाते हैं नहीं बताएंगे वीडियो पे, तो चलिए। तो दोस्तों ये जो है ग्रीस जो है हम लोग का, ये बाल्टी 18 kg का आता है बाल्टी, ले देखिए पेंसोल ग्रीस होता है, पेंसोल WB होता है ग्रीस होता है, देखिए सब लिखा हुआ है दोस्तों। हमारे जो सब्सक्राइबर जो है दोस्त ये पूछ रहे थे, देखिए जो है 18 kg का, ये जो चिलम साइड में यूज करते हैं, तो दोस्तों ये जो टाइट होता है, तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए माइको टच एक ग्रीस है, तो ये जो है कप साइड में डाला जाता है, और जो दिखाया पेंसोल वो चिलम साइड का डाला जाता है पेंसोल का। ये देखिए ये जो है माइको टच ग्रीस जो है दोस्तों, इसको ये देखिए फुल है, अभी खोले इसको, तो ये कप साइड में डाला जाएगा। तो देखिए ये जो कप में डाले हैं दोस्तों, ये वाला इसमें डाल दिए, और चिलम साइड में जो है वो बाल्टी वाला डालेंगे पेंसोल का। चलिए तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए अस्सलाम वालेकुम।